कस्बे में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। जहां एक और लॉकडाउन की वजह से जनता वैसे ही परेशान है और देश दुनिया में कोरोना ने आतंक मचा रखा है, तो वही कस्बा सेंथल के मुख्य बाजार में आग लगने से होटल, कपड़ों की दुकानें और पान के खोखे जलने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इतना ही नहीं, दुकानों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने जल्द ही आर्थिक नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है। अहमद भाई, आपकी दुकान थी, कैसे आग लग गई, क्या हुआ? जी, हम सब लोग घर पे थे, एक भाई यहाँ पे लेटते थे, वो नमाज पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ के घर मस्जिद में रखने जा रहे थे। ठीक है, जब वहाँ से रख के आए हैं तो ये आग लगी हुई थी। अब अल्लाह जाने कैसे लगी, यहाँ आग तो जल नहीं रही थी, यहाँ कोई खाना वाना थोड़ी बन रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान क्या, सारा दुकान का माल यहीं पर ही रखा हुआ था। यहाँ लॉकडाउन लगा है तो सब चीज़ यहीं थी, कोई समेटा थोड़ी था यहाँ से। नहीं, क्या माल था, काय की दुकान थी आपकी? मिठाई की दुकान थी और पान की दुकान थी। सब जल गया, सारा जल गया, सब जल गया, सब जला हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ बचा गया है। क्या नाम है आपका? सलीम मोहम्मद। आपकी भी यहाँ दुकान थी? यहाँ पड़ोस में हमारी दुकान थी। काय की दुकान थी आपकी? सिलाई की दुकान। कितना नुकसान हो गया? 1.5 लाख का नुकसान हुआ। क्या क्या जल गया? कपड़े, कपड़े जले हैं, सिलाई सिले हुए और बगैर सिले भी कपड़े जले। ग्राहकों के थे सब? हाँ बताओ, किसके कपड़े थे? ग्राहकों के थे कपड़े, सब सब जल गए, सब जल गए, कुछ नहीं बचा। मशीनें भी जली हैं, काउंटर भी जल गया है, स्टूल वगैरह सभी जल गए। कितने का नुकसान बता रहे? 1.5 लाख का नुकसान हुआ। करीब 1.5 लाख का आया था तो आग जल रही थी इनके यहाँ मिठाई दुकान में, उसके जरिए से हमारी दुकान लग गई आग। आपकी कई दुकान थी? मिठाई दुकान है सर। आपकी मिठाई दुकान थी? हाँ जी, सब सामान रखा हुआ था इसी में, लॉकडाउन से लगा जब से रखा हुआ सामान। लोगों ने बुझाई आग तो थोड़ी बुझ गई। कितना नुकसान हुआ आपका? हम लोग 50-60 हज़ार रुपये सामान चल गया। सारा सामान मिठाई का था? हाँ, कच्चा सामान था, बना मिठाई कौन कर रहा है, लकड़ी के लिए सबकी जगह से आगे तो सब सामान। जब वहाँ पहुँचा इतनी देर में इन्होंने फोन करा हमें कि जल्दी आ जाओ, आगे लगते हम चारों भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तो कोई खाना पकाना तो है नहीं, खाना घर से आता है, रोजा है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।